नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनआई न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, यानी सच सुनना नहीं चाहती है सरकार, यह आपातकाल की ओर बढ़ता हुआ कदम। आजाद भारत देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजाद भारत में यह पहली बार हो रहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सरकार कायरतापूर्ण हमला कर विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती है। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि सरकार अपनी रत्ती भर आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जिस तरह से भास्कर और भारत समाचार पर आईटी के छापे से मीडिया को दबाने की क्रूर कोशिश की जा रही है, वो कभी भी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया भी नहीं। देखिए कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार यादव की खास रिपोर्ट। आज चायल प्रेस क्लब पत्रकार संघ में आज ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है, क्या उद्देश्य है? तहसील प्रेस क्लब चायल हमेशा पत्रकार उत्पीड़न पर अपनी आवाज उठाता है। प्रदेश के प्रतिष्ठित भारत समाचार के एडिटर इन चीफ श्री ब्रजेश मिश्रा जी, यूपी हेड सुरेंद्र सिंह जी के आवासों पर, उनके दफ्तरों पर प्रदेश सरकार की शहकर आईटी सेल ने रेड किया और दो दिन तक उनके घरों की, उनके दफ्तरों की तलाशी ली गई, सिर्फ इसलिए कि भारत समाचार प्रदेश सरकार की कमियों को उजागर करता है, भ्रष्टाचार को अपने टीवी के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है। इसी आवाज को और खबर को दबाने के लिए प्रदेश सरकार ने ये उत्पीड़ित कार्रवाई की है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसी संदर्भ में आज चायल प्रेस क्लब के सभी साथियों ने एकजुट होकर के महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी चायल को सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि प्रदेश में हो रहे पत्रकार उत्पीड़न को तुरंत रोका जाए और जो इनकम टैक्स के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है उसको भी समाप्त किया जाए। आपका नाम? सईदुर रहमान मुन्ने, अध्यक्ष चायल प्रेस क्लब।